नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध उपन्यास गोरा का 68वां भाग। लेकिन अविनाश चतुर व्यक्ति था। जहां बहस मुबाहसे का कोई फल न हो और मॉरल इफेक्ट की संभावना भी न हो, वहां बेकार का जवानी जमा खर्चा करने वाला वह नहीं था। इसीलिए उसने कहा, तो ठीक है महाशय, आपकी राय नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन सारा प्रबंध तो हो चुका है, निमंत्रण पत्र भी जा चुके हैं, इधर और देर भी नहीं है। इसीलिए ना हो तो यही उपाय किया जाए कि गोरा ना जाए, उस दिन हम लोग ही प्रायश्चित कर लें। लोगों देश के लोगों में पाप की भी तो कोई कमी नहीं है। कृष्णदयाल अविनाश के इस आश्वासन से बेफिक्र हो गए। कृष्णदयाल की किसी भी बात पर गोरा की कभी विशेष श्रद्धा नहीं रही। आज भी उसका मन उनका आदेश पालन करने की बात स्वीकार न कर सका। सांसारिक जीवन से भी जो जीवन बड़ा है, उसमें माता पिता के निषेध को गोरा मानने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं समझता था। फिर भी आज दिन भर वह मन ही मन बहुत दुख पाता रहा। उसके मन में यह अस्पष्ट धारणा घर कर गई थी कि कृष्णदयाल की सारी बात में कहीं कोई छिपा हुआ साम्य है, जैसे एक अकारणहीन दुःस्वप्न उसे सताने लगा, जिसे वह किसी तरह भी तोड़ नहीं सका। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई एक ही साथ सभी तरफ से ठेल कर उसे बहुत दूर फेंक देना चाहता हो। अपना अकेलापन आज उसे बहुत बड़ा होकर दिखने लगा। उसके सामने विस्तृत कर्म क्षेत्र था और काम भी बहुत बड़ा था, लेकिन उसके साथ में कोई खरा नहीं था। प्रायश्चित सभा अगले दिन होने वाली थी। तय यह हुआ था कि गोरा रात को ही बगीचे वाले घर में चला जाएगा और वहीं रहेगा। जिस समय वह जाने की तैयारी कर रहा था, तभी हरी मोहिनी आ खड़ी हुई। उसे देखकर गोरा को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा, आप आई हैं? मुझे तो अभी अभी जाना होगा, माँ भी कुछ दिन से घर पर नहीं है, उनसे मिलना हो तो। हरी मोहिनी ने कहा, नहीं बाबा, मैं तुम्हारे ही पास आई हूँ, तुम्हें ज़रा देर तो बैठना ही होगा, ज़्यादा देर नहीं करूँगी। गोरा बैठ गया। हरी मोहिनी ने सुचरिता की बात चलाई। तुम्हारी शिक्षा से उसका भारी उपकार हुआ है, यहाँ तक कि जिसके तिसके हाथ का छुआ पानी भी नहीं पीती, और सभी ओर से उसमें सुमति जाग रही है। बेटा, उसके लिए तुझे कितनी चिंता थी, उसे सुपथ पर लाकर तुमने मेरा कितना उपकार किया है, यह बताने के लिए मुझे शब्द ढूंढे नहीं मिलते। भगवान तुम्हें राज राजेश्वर बनाए, कुलवंती लक्ष्मी बहु मिले, घर रोशन हो, धन संपत्ति संतान से भरा पूरा रहे। फिर बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि सुचरिता काफ़ी सयानी हो गई है, उसके विवाह में पल भर की भी देरी करना ठीक नहीं है। हिंदू घर में रहती तो अब तक उसकी गोद संतान से भर गई होती, विवाह में इतनी देर कर देना कितनी गलत काम हुआ है। निश्चय ही इस बारे में गोरा भी उससे सहमत होंगे। सुचरिता के विवाह की समस्या के कारण हरी मोहिनी ने बहुत दिनों तक असहज चिंता झेलकर अंत में किसी प्रकार बड़ी खुशामद और विनती करके अपने देवर कैलाश को राजी करके कलकत्ता बुलाया। जिन सब बड़ी कठिनाइयों की उन्हें आशंका थी, ईश्वर की कृपा से वे सब दूर हो गई हैं। सारी बात पक्की हो गई है, वर पक्ष एक पैसा भी नहीं लेगा और सुचरिता के पिछले इतिहास को लेकर भी कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। बड़े कौशल से ही हरी मोहिनी इन सब कठिनाइयों का समाधान कर सकी है। पर अब इस मौके पर आकर सुनकर सब हैरान होंगे, सुचरिता बिल्कुल अड़ गई है। उसके मन में क्या है हरी मोहिनी नहीं जानती। किसी ने उसे कुछ सुखा दिया है, या उसका मन किसी दूसरे की ओर है, या जाने क्या, यह भगवान ही जानते हैं। लेकिन बेटा, यह मैं तुम्हें स्पष्ट ही बता दूं, तुम्हारे योग्य वह लड़की नहीं है। गांव देहात में ब्याह होने से उसके बारे में कोई कुछ जान ही नहीं सकेगा, इसीलिए किसी न किसी तरह काम चल जाएगा। किंतु तुम तो शहर में रहते हो, उससे ब्याह करोगे तो शहर के लोगों को मुंह न दिखा सकोगे। क्रुद्ध होकर गोरा ने कहा, आप यह सब क्या उठपटांग कह रही हैं? आपसे किसने कहा कि मैं उनसे विवाह करने के लिए उन्हें कुछ समझाया बुझाया है? हरी मोहिनी ने कहा, मैं कैसे जानूंगी बाबा,
अखबार में छप गया है, यही सुनकर तो शर्म से गरी जा रही हूँ। गोरा समझ गया कि हरान बाबू अथवा उनके गुट के किसी व्यक्ति ने इस बारे में अखबार में कुछ लिखा होगा। मुट्ठियां भीजते हुए कहा, सब झूठी बात है। उसकी गरज से चौंकती हुई हरिमोहिनी बोली, मैं भी तो झूठी समझती हूं, तब मेरा एक अनुरोध तुम्हें मानना ही होगा, तुम एक बार राधा रानी के पास चलो। गोरा ने कहा, क्यों? हरिमोहिनी ने कहा, तुम एक बार उसे समझा कर कहना। गोरा का मन इसी को उद्देश्य बनाकर उसी समय सुचेता से मिलने जाने को उतावला हो उठा। उसके हृदय ने कहा, चलो आज अंतिम बार भेंट कराऊं, कल तुम्हारा प्रायश्चित है, उसके बाद तुम तपस्वी हो, आज की रात भर बस समय है, उसमें भी केवल थोड़े ही क्षणों के लिए, उसमें कोई दोष नहीं होगा, होगा भी तो कल सब भस्म हो जाएगा। थोड़ी देर चुप रहकर फिर गोरा ने पूछा, उन्हें क्या समझाना होगा बताइए। और कुछ नहीं, इतना ही कि हिंदू रीति के अनुसार सुचरिता जैसी सयानी उम्र की लड़की को तुरंत विवाह कर लेना चाहिए, और हिंदू समाज में कैलाश जैसा सत्पात्र पा जाना सुचरिता के अवस्था की लड़की के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। सुचरिता का मिलन और किसी से होना असंभव है। बुद्धि और भावों की गंभीरता से परिपूर्ण सुचरिता का हृदय गोरा के सिवा किसी दूसरे व्यक्ति पर यूं प्रकाशित नहीं हुआ और ना कभी किसी पर यूं प्रकाशित हो सकेगा। कैसा आश्चर्यमय था, कितना सुंदर सुंदर, रहस्यों से भरे उस अंतस में उसे कैसी अनिर्वचनीय सत्ता दिख गई थी। ऐसा कब कब दिखता है और दुनिया में कितनों को दिखता है। देव योग से ही जो व्यक्ति सुचरिता को इस गहरे यथार्थ रूप में देख सका, अपनी समूची प्रकृति से अनुभव कर सका, उसी ने तो सुचरिता को पाया है, उसे और कोई कभी कैसे पा सकता है। हरिमोहिनी ने कहा, राधा रानी क्या हमेशा कवारी ही बैठी रह जाएगी, यह भी कभी होता है। यह भी तो ठीक ही है, कल गोरा तो प्रायश्चित करने जा रहा है, उसके बाद ही तो संपूर्ण पवित्र होकर ब्राह्मण होगा, तो सुचरिता का क्या चीरकाल तक अविवाहित ही रहेगी? यह जीवन व्यापी भार उस पर लादने का अधिकार किसको है? स्त्री के लिए इससे बड़ा भार और क्या हो सकता है? हरिमोहिनी न जाने क्या क्या बोलती चली गई, वह सब गोरा के कानों तक पहुंचा ही नहीं। वह सोचने लगा, बाबा जो इतने हट से मुझे प्रायश्चित करने से रोक रहे हैं, उनके निषेध का क्या कोई मूल्य नहीं है? अपने लिए मैं जिस जीवन की कल्पना कर रहा हूँ वह शायद गोरी कल्पना ही है, वह मेरे लिए स्वाभाविक नहीं है। वैसा बनावटी बोझ ढोने जाकर तो मैं पंगु हो जाऊँगा, उसके भार से दबकर मैं जीवन का कोई काम सहज ढंग से ना कर सकूँगा। अभी तो देख रहा हूँ मेरा मन आशंका में उलझ गया है, इस पत्थर को कैसे हटाऊं? किसी तरह बाबा जान गए हैं कि मैं अपने अंतस के भीतर ब्राह्मण नहीं हूं, तपस्वी नहीं हूं, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे हट से मना किया है। गोरा ने सोचा, उन्हीं के पास जाऊं, आज अभी इसी समय जाकर जोर देकर उनसे पूछूं कि मुझ में ऐसा उन्होंने क्या देखा है, क्यों उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे लिए प्रायश्चित का रास्ता बंद है। अगर मुझे वह समझा सके तो मुझे उधर से छुटकारा मिले। हरिमोहिनी से गोरा ने कहा, आप जरा रुके, मैं अभी आता हूं। दौड़ता हुआ गोरा घर के पिता वाले खंड की तरफ गया। उसका मन कहने लगा, कृष्ण दयाल कोई बात जरूर जानते हैं जिससे उसे तुरंत छुटकारा मिल सकता है। साधना आश्रम का द्वार बंद था, दो एक बार उसने खटखटाया भी, लेकिन द्वार न खुला, ना किसी ने जवाब ही दिया। भीतर से धूप जलने की गंध आ रही थी। कृष्ण दयाल आज सन्यासी को साथ लेकर सब द्वार बंद करके योग की किसी अत्यंत गूढ़ और दुरूप प्रणाली का अभ्यास कर रहे थे। आज रात भर किसी को उधर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। गोरा ने स्वयं से कहा, नहीं कल नहीं, आज ही से मेरा प्रायश्चित आरंभ हो गया है, कल जो आग जलेगी
उससे बड़ी आग आज जल रही है। अपने नए जीवन की शुरू में मुझे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी, इसीलिए ईश्वर ने मेरे मन में इतनी बड़ी, इतनी प्रबल आकांक्षा जगा दी। नहीं तो ऐसी अनोखी बात क्यों हुई होती? मैं कहाँ किस क्षेत्र में था? उन लोगों से मेरे मिलने की कोई लौकिक संभावना न थी। और ऐसे विपरीत स्वभावों का मिलन भी दुनिया में आमतौर पर कहाँ होता है? फिर इसकी तो कल्पना भी कौन कर सकता था कि उस मिलन से मुझ जैसे उदासीन के मन में इतनी बड़ी, इतनी दुर्दम आकांक्षा जाग उठेगी। ठीक आज ही के लिए इस आकांक्षा की मुझे ज़रूरत थी। आज तक मैंने देश को जो कुछ दिया है वह सब बड़ी सरलता से ही दे सका हूँ। ऐसा कोई दावा नहीं करना पड़ा मुझे जिसे देते मुझे कुछ कठिनाई हुई हो। मैं यह सोच ही नहीं सकता था कि देश के लिए किसी चीज़ का त्याग करने में लोग कंजूसी क्यों करते हैं। लेकिन महायज्ञ ऐसे सहज दान से संपन्न नहीं होता, उसके लिए दुख ही चाहिए। धमनी काट कर रक्तदान करके ही मुझे नए जीवन में नया जन्म लेना होगा। लोगों के सामने कल सवेरे मेरा लौकिक प्रायश्चित होगा। उससे एक रात पहले ही मेरे जीवन विधाता आकर मेरा द्वार खटखटा रहे हैं। अपने अंतर के भीतर ही अंतरतम प्रायश्चित किए बिना कल मैं क्या शुद्धि ग्रहण कर पाऊंगा? जो मेरे लिए सबसे कठिन दान है वही आज संपूर्णतया देवता को अर्पित करके ही मैं सच्चे और पवित्र मन से निस्वार्थ हो सकूंगा, तभी मैं ब्राह्मण होऊंगा। गोरा के हरिमोहिनी के पास लौटते ही उन्होंने कहा, बेटा तुम एक बार मेरे साथ चलो, तुम्हारे जाकर अपने मुंह से एक बात कह देने से ही सब ठीक हो जाएगा। गोरा ने कहा, क्यों, मैं क्यों जाऊं? मेरा उनसे क्या संबंध है? कुछ नहीं। हरी मोहिनी बोली, वह जो तुम्हें देवता की तरह मानती है अपना गुरु समझती है? जैसे एक लाल सुलगती हुई सलाख गोरा के हृदय को बेंध गई। उसने कहा, मैं तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं देखता, उनसे अब और भेंट होने की कोई संभावना नहीं है। भीतर ही भीतर खुश होते हुए हरी मोहिनी ने कहा, सो तो ठीक ही है, इतनी सयानी लड़की से मिलना जुलना तो अच्छा नहीं है, लेकिन बेटा आज का मेरा यह काम किए बिना तो तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा, इसके बाद कभी तुम्हें बुलाऊं तो कहना। बड़े जोर से गोरा ने सिर हिला दिया, अब नहीं, किसी प्रकार नहीं, वह सब खत्म हो चुका, वह देवता के आगे सब न्योछावर कर चुका है, अब अपनी सुचिता पर कोई धब्बा नहीं लगने देगा, वह सुचरिता से मिलने नहीं जाएगा। जब हरिमोहिनी ने समझ लिया कि अपनी बात से गोरा टलने वाला नहीं है, तब उन्होंने कहा, यदि बिल्कुल ही नहीं जा सकते हो तो बेटा एक उपाय करो, एक चिट्ठी लिख दो। गोरा ने फिर सिर हिलाया, वह नहीं सह हो सकेगा, चिट्ठी विट्ठी भी नहीं वह लिखेगा। हरी मोहिनी ने कहा, अच्छा तब मुझे ही दो लाइन लिख दो, तुम तो सब शास्त्र जानते हो, मैं तुमसे विधान लेने आई हूं। हरी मोहिनी ने फिर कहा, यही कि हिंदू घर की लड़की के लिए उपयुक्त समय पर विवाह करके गृहस्थ धर्म पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है कि नहीं? थोड़ी देर चुप रहकर गोरा ने कहा, देखिए इन सब झंझटों में मुझे ना फंसाइए, मैं विधान दे सकने वाला पंडित नहीं हूं। हरी मोहिनी ने तब कुछ तीखेपन के साथ कहा, तब फिर अपने मन की भीतरी इच्छा स्पर्धा ही कहो ना, पहले तो तुमने ही फंदा डाला, अब जब उसे खोलने की बात आई तो कहते हो कि मुझे ना फंसाइए, इसका क्या मतलब होता है? वास्तव में तुम चाहते ही नहीं कि उसका मन साफ हो जाए। यदि कोई और समय होता तो गोरा गुस्से में आग बबूला हो उठता, यह सच्चा अभियोग वह सह ना सकता, लेकिन आज से उसका प्रायश्चित आरंभ हो गया था, उसने गुस्सा नहीं किया। अपने ही मन में डूबकर उसने पहचाना कि हरिमोहिनी सच्ची बात कह रही है, सुचरिता के साथ बड़ा बंधन काट देने के लिए तो वह निर्मम हो उठा है, लेकिन एक बहुत बारीक सूत्र वह न दिखने का बहाना करके बनाए रखना भी चाहता है। सुचरिता के साथ अपने संबंध को एक बारगी छोड़ देने के लिए वह अब भी तैयार नहीं है।
लेकिन अब यह कंजूसी छोड़नी होगी। एक साथ से दान करके दूसरे हाथ से पकड़े रहना नहीं चल सकता। कागज निकालकर गोरा ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, विवाह ही नारी जीवन की साधना का मार्ग है, गृहस्थ धर्म ही उसका प्रथम मुख्य धर्म है। विवाह इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, कल्याण साधना के लिए है। गृहस्थी में सुख हो अथवा दुख, पूरे मन से उसका वरण करती हुई नारी सती साध्वी रहकर धर्म को घर में मूर्तिमान किए रहे, यही उसका व्रत है। हरि मोहिनी ने कहा, इसी से तो यदि हमारे कैलाश के बारे में भी थोड़ा कुछ लिख देते तो बड़ा अच्छा होता। गोरा ने कहा, नहीं, उन्हें तो मैं जानता ही नहीं, उनके बारे में मैं नहीं लिखूंगा। कागज हरि मोहिनी ने सावधानी से तह करके आंचल के छोर में बांध लिया और अपने घर लौट आई। अब भी सुचरिता आनंदमयी के पास ललिता के घर में ही थी। वहां बातचीत की सहूलियत नहीं होगी और ललिता या आनंदमयी से विरोधी बात सुनकर सुचरिता के मन में दुविधा ही हो सकती है। इस आशंका से उन्होंने सुचरिता को कहला भेजा कि अगले दिन दोपहर को आकर वह उन्हीं के साथ भोजन करे, बहुत ज़रूरी बात है, वह चाहे तो तीसरे पहर फिर वापस लौट सकेगी। धन्यवाद।